नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। ज्यादा है, पहला समस्या आपका मजदूर का हो गया जो कि बाहर से भी आए हैं, पलायन किए हैं और फिर जो है लॉकडाउन में आ करके फिर वापस जा रहे हैं। रोजगार नहीं, हाँ, इनको रोजगार नहीं मिलने के कारण ये बाहर जा रहे हैं। बाहर में इन लोगों को बहुत तकलीफ होता है, बहुत सारा लेबर मजदूर जो है भट्ठा पर जाते हैं लेकिन वो वापस भी नहीं आ पाते और पता भी नहीं चल पाता है कि वो कहाँ गए। दूसरा समस्या यहाँ अस्पताल का है, हर एक पंचायत में पंचायत लेवल पर अस्पताल है लेकिन सुचारू ढंग से चल नहीं रहा है। कई अस्पताल तो मेरे पंचायत मान लीजिए अमृत में बंद पड़ा हुआ है, कई बार हम कंप्लेन किए लेकिन उसका सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अगर हम विधायक बनेंगे तो अस्पताल का समस्या सबसे पहले हम अस्पताल का समस्या का समाधान करेंगे और कोशिश रहेगा मेरा कि हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस जो कि मेरा तरफ से हर एक पंचायत में दिया जाएगा, या तो हम सरकार से डिमांड करेंगे या तो फिर नहीं सरकार से हो पाई तो हम खुद हर एक पंचायत में देंगे ताकि जो है हर एक जितना भी दूर दूर में गांव है वो जम्मू आके अस्पताल में सही से इलाज कर सके और अपना जान बचा सके। महागठबंधन और इनसे तो हम जेडीयू में हैं और जेडीयू से आश्वासन भी मुझे दिया गया है कि आप चुनाव, मैं वहां बता भी दिया हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं जम्मू सीट, हाँ जम्मू विधानसभा सीट से, तो वहां से आश्वासन भी दिया गया है कि अगर जेडीयू का खाता में गया जम्मू तो, हाँ जम्मू से, तो आपको 100% है कि टिकट आपको दिया जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय का निर्दलीय से भी चुनाव लड़ेंगे। 4 साल से हम चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। मेरा पप्पू मंडल ग्राम पंचायत राज अमृत के मुखिया प्रतिनिधि हुए और समाज सेवी भी।